session. Today we have to discuss about the various type of coding using the QBasic program. Then first of all, you need to observe about the flow charting. We have already discussed about the many number, many series like this. Please consider and discuss about this. If there have any problem, you can ask me about this. 1, 2, 3 onwards 50. 1, 3, 5, 7 onwards 50. 1, 1, 1, 1, 1. Many more. Or any table. Look at this. Any table means next number is 9 table. This is the table of number 9. And descending order like 50, 40, 30 onwards 10 jo bhi hai. Sir, 18 hoga. 9 ke baad 18 hoga na? Haan, 9 ke baad ye 18. Bilkul. करेक्ट. इन सभी सीरीज में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं. हैव यू एनी प्रॉब्लम लाइक दिस? दीज आर रिलेटेड टू द सिंगल वेरिएबल. लास्ट वाला करके दिखा दीजिए सर, वो समझ में नहीं है. हां यस सर, ये यही वाला सर. एक बार फर्स्ट वाला भी सर, एक बार फर्स्ट वाला भी सुन लो. अगर ये सीरीज 100 है, 98 है, 96 है, तो ये भी तो डिसेंडिंग देख रहे हो. बाय व्हिच टाइप ऑफ कैलकुलेशन, बाय व्हिच टाइप ऑफ फ्लो चार्ट यू हैव टू गेन द, यू कैन गेट द नंबर्स इन दिस ऑर्डर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ऑब्जर्व दैट व्हाट इज द सर्टेन सीक्वेंस ऑफ दिस गिवन नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू प्रिंट द नंबर 100 एंड देन 98, 96. व्हाट आर द सीक्वेंस? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस नंबर इज क्या? व्हाट? 2. Decreasing order of this specific number is 2. And here, what is the decreasing order? Sir, 10. 10. Sir, 10. 10. 10. 10. 10. Okay. Then, first of all, you need to create the flow chart. Like the series 100. Start them. स्टार्ट करेंगे. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू हैव ऑलरेडी क्रिएटिंग दिस फ्लो चार्ट विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर, देन ट्राई टू ड्रा द फ्लो चार्ट अगेन एंड अगेन, नॉट ए सिंगल टाइम. एक बार बनाने से नहीं आएगा, ये जान लेना. सभी लोग जान लो, एक बार बना लिया सोच रहे हो कि हम सही हो गए, हम कर लेंगे. नो, ये बार बार बनाइए. स्टार्ट किया हमने. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ऑब्जर्व द नंबर इन दिस ऑर्डर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द नंबर लाइक द 100 एंड देन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस नंबर इज 2. देन ऑलवेज फंक्शन ऑब्जर्व द नंबर. What is the sequence of this number? 100, 98, 96 onwards. First of all, here you have to declare the value of x. X is equal to 100. Any problem? Any problem? Sir. First of all, you have to clear the variable. Here is the variable. And this box is known as वेरिएबल डिक्लेरेशन बॉक्स. को क्या बोलेंगे हम? वेरिएबल इनपुट बॉक्स. सपोज दैट इनपुट बॉक्स, इसमें बेटा हम x की वैल्यू हम रख लेते हैं. क्या रख लिया हमने? 100. 100. x को कहाँ तक ले जाएंगे? और ये ग्रेटर देन पे चलेगा, लेस देन पे नहीं चलेगा. जब बड़ा है तब ये लूप चलेगा, छोटे पे नहीं चलेगा. छोटे पे कौन चलेगा? जो उल्टी गिनती ऑर्डर में है, जो आरोही क्रम में है, जो बढ़ते हुए क्रम में है. ओके,
डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए ये चलेगा, x इज ग्रेटर देन, कहाँ तक ले जाएंगे मान लो 5050 तक ले जाओ, एनी प्रॉब्लम, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो तुरंत पूछो। नो सर, नो प्रॉब्लम। नो सर। यदि x 50 से बड़ा है तो यहाँ पे आओगे बेटा, और हम कह रहे नहीं प्रिंट कर दो यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट x, तो देखो प्रिंट हो जाएगा, एक तरफ मेमोरी बना लिए, दूसरी तरफ स्क्रीन बना लिए, क्या प्रिंट होगा, x की वैल्यू हमने लिया है 100, x को वैल्यूएट किया है 5050 से, प्रिंट x किया तो क्या प्रिंट हो जाएगा 100। अब जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है x इज इक्वल टू x टू माइनस टू, ये हमने रख दिया, तो अब ये जब वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो ये वैल्यू यहाँ से डिक्रीज कर देगा, यानी 100 माइनस टू क्या कर देगा 98, ये दिखाना होगा, आप जान रहे हैं कि 100 में से 2 निकालेंगे तो 98 हो जाएगा, 100 में से 2 निकालेंगे तो 98, लेकिन यहाँ पर क्यों बताना होगा, जब भी ड्राई रन करेंगे बेटा तो हम यहाँ बताएंगे, कोडिंग लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हम यहाँ पर पेन पेपर के साथ अगर इसका चार्ट बना रहे हैं, ड्राई रन कर रहे हैं, देन यू हैव टू शो द नंबर, हाउ कैन द नंबर गेन इन द फॉर्म ऑफ 98, तो ये 98 होगा, फिर ऊपर जाएंगे और फिर चेक करेगा और इसमें से ये जो नंबर है यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट कर देगा। कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कुछ, बोलिए। नो सर, वहाँ पे आप x greater than 50 क्यों लिखे हैं सर, मैं नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा, हाँ ठीक है, देख लो x बड़ा है ना, 100 है, तब ये नीचे जाएगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे ग्रेटर देन लगाओगे, लेस देन असेंडिंग ऑर्डर में लगेगा, आरोही क्रम में जो बढ़ता हुआ क्रम है तो उसमें क्या लगेगा, लेस देन लगेगा, और जब यहाँ भी डिसेंडिंग की बात आएगी, ये अवरोही क्रम जो ऊपर से नीचे तक उल्टी गिनती एक तरह से नंबर अगर प्रिंट करना होगा, घटते हुए क्रम में अगर प्रिंट करना होगा तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन, क्यों लगाएंगे, देखो यदि एक्स 50 से बड़ा है, 50 से बड़ा है तो हम यहाँ पे ये काम करेंगे, और नहीं बड़ा है तो स्टॉप कर देंगे, तो x 50 से तो बड़ा है ना, 100 है x, तो अब ये नीचे आएगा, प्रिंट x किया, फिर नीचे आएगा x इज इक्वल टू x माइनस टू, क्योंकि दो का क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, समझ में आ रहा है, तो अब इस तरीके से हम ये नंबर ले सकते हैं, अब ये नंबर प्रिंट करता जाएगा और अगेन जो भी है ये नंबर घटता जाएगा, x माइनस टू कर देंगे तो वे 98 माइनस टू ये हो जाएगा 96, प्रिंट x 96 प्रिंट, एनी प्रॉब्लम सर, यहाँ कैलकुलेशन के बाद प्रिंट नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेशन के बाद प्रिंट कर सकते हैं लेकिन उसमें 100 प्रिंट नहीं होगा, 98 प्रिंट से होगा, अब ये जो लोग समझ रहे हो दिमाग से अगर सोच रहे होंगे तो समझ लेना कि ये अगर यहाँ पे तुरंत घटा दोगे तो 98 तो प्रिंट होगा लेकिन 100 नहीं प्रिंट होगा, अगर आपको 100, 98, 96 तीनों प्रिंट करना है तो 100 प्रिंट करने के लिए पहले क्या करना होगा, प्रिंट करके तब कैलकुलेशन करना होगा, बात समझ में आई, अगर आप ये काम यहाँ लिख दोगे तब भी चलेगा, प्रोग्राम रन ऐसा नहीं रन करेगा, बट ये अगर हम यहाँ से लिखते हैं तो 100 भी प्रिंट कर देगा, और इसी बेस पे सारे जो क्या कहते हैं जो डिसेंडिंग के सीरीज हैं, जैसे 5050 से 30-40 जो भी प्रिंट करना है वैसे ही हम कर लेंगे, नोट कर लीजिए इसको सर, हम लोग क्यू बेसिक किस चीज के लिए यूज करते हैं, मतलब वो किस में यूज होता है, कोडिंग के लिए, छोटे छोटे हम कोडिंग कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं, कुछ हम अब उस पे आएंगे, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो एक दो दिन और, तो जो भी प्रोग्राम्स उसमें हैं वो वैसे ही हैं, आप देखे होंगे नंबर प्रिंट करने का, टेबल प्रिंट करने का, तो अभी ये आप थोड़ा सा सीख लो, कई लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ना लीजिए, पेन पेपर के साथ समय दीजिए तभी बनाने आएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लेते हैं लेकिन ये बॉक्सेस बनाने चलोगे तो बना नहीं पाओगे बिना देखे, और जो बच्चा बार बार बनाएगा वो बना लेगा, यहाँ पे एक टेबल हम प्रिंट करना आपको बता रहे हैं इसके बाद कि कैसे किसी टेबल को आप बनाएंगे, जैसे 9, 18, 27 ये वाला टेबल 9027 कैसे करोगे, देखो हम इसे कर रहे हैं, ये
नोटेड है, नोट कर लिए है? Have you done? सर वेट अ मिनट। यस सर। नो सर। नो सर। कर लो, कर लो। यस सर, नोट कर लिए। ये कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, हम इसे करा रहे हैं अभी। एक दो और प्रोग्राम बता लेने दो, फिर हम लोग डबल वेरिएबल भी देखेंगे। यहाँ पे मिटा दें इसको। कैन आई रेज इट? यस सर। यस सर। यस सर। हमें बनाना है बेटा सीरीज है वो, और सीरीज का टेबल है, जैसे 9 का टेबल है या 10 का टेबल हो, कोई भी टेबल हो, तो हमें यहाँ पे ये बदल देना होगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। अगर ये 9 का टेबल है तो x की वैल्यू 0 रख लो। अब यहाँ पे लेस देन लगाओगे, लेस देन कहाँ तक? 90 तक। तो x इज इक्वल टू x प्लस 9 हो जाएगा, और वैल्यू क्या हो जाएगी प्रिंट? तो सर हम लोग लिखेंगे, लिख रहे हैं तो सर उसमें मिटा के सर दूसरा लिख देंगे। अरे नहीं भाई, तुम लोग मिटा के कहाँ लिखोगे? तुम लोग दूसरा बनाओगे, तुम लोग भी मिटा दोगे, तुम लोग भी ऐसे शॉर्टकट कर ना दोगे। हम तो ये तुम्हें पढ़ाने के लिए कर रहे हैं ना, कम समय में ज्यादा चीजें बताएं आपको, इसलिए कर रहे हैं। हैं, शॉर्टकट अपनाने लगोगे तो दिक्कत आएगी ना। आप, मम्मी के दिया। आप पूरा जो है बनाएंगे बढ़िया से। हम आप अब मान लो बार बार हम बनाएंगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। पूरा बना रहे हैं? हाँ पूरा बनाइए आप लोग। अब देखो कैसे चलेगा ये दोबारा से। एक्स की वैल्यू अभी मत बनाओ, जब हम कुछ समझा रहे होते हैं, जब कुछ बोल रहे होते हैं, तो कोई भी स्टूडेंट कुछ भी बनाएगा नहीं, ना लिखेगा। जब हम आपको समय देंगे, अलाउ करेंगे कि हाँ आप नोट डाउन करो। अब कई लोग होते हैं जो समझाने के लिए हम समझा रहे होते हैं तो लिखते रहते हैं, और पता चलता है कि ना लिख पाएंगे ना समझ पाएंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेट फॉर आवर प्रिकॉशंस, जब हम अलाउ करें तभी काम करिए, अपनी बुद्धि वाली करेंगे तो नहीं हो पाएगा। सुनिए इसे ध्यान से कैसे चलेगा ये। x की वैल्यू 0 लिया मैंने, हाँ 0 है, चलो x इज लेस देन 90, 90 से छोटा है ना 90 से, यस। तो यस की कंडीशन में यहाँ पे आ जाओ बेटा, x इज इक्वल टू x प्लस 9, तो ये 0 प्लस 9 हो जाएगा क्या? 9 प्रिंट x, 9 प्रिंट हो जाएगा। फिर वैल्यूएट करेगा डिसीजन बॉक्स में, और प्रिंट होता जाएगा। मैंने बोला है 3 स्टेप सही आ रहा है तो छोड़ दो, 18 आ गया। थर्ड स्टेप में x इज इक्वल टू x प्लस 9, अब 18 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 27 हो गया। एनी प्रॉब्लम? बोलो। नो सर। नो सर। कर लीजिए। नो सर। इसको भी करिए। करिए, इसका कोडिंग हम लिख रहे हैं इधर। पहले ये ड्राई रन कर लीजिए, तो कोड लिख देते हैं इसका। ओके सर। डन। ठीक है, सबको लिख लेने लो, सभी लिख लो पहले। तो इसका कोड देखो कैसे लिखोगे, कोडिंग देखिए यहाँ पे, कोडिंग छोटे। सर रुक जाइए, उसे इरेज मत करिए। ठीक है, 9 है, 18 है और 27 है, यही लिख लीजिए, फिर बताइए।
सर मेरे नेटवर्क डिस्टर्ब सर 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 इरेज कर दीजिए कंप्लीट हो गया देखो इधर कैसे कोडिंग सर आप जो डिसीजन बॉक्स बनाए हैं हाँ बोलो देखो सर उसके सर आप इसको ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा सर नेट बॉक्स वाले नीचे वाले बॉक्स क्या प्रॉब्लम आ रही है देखो कैसे लिखेंगे सीएलएस से आप सीएलएस क्यों लगा रहे हैं सभी लोग जान रहे हैं ना हैं सर आप जो डिसीजन बॉक्स सर पता है सीएलएस क्यों लगाते हैं हां डिसीजन बॉक्स में बोलो क्या है व्हाट सर डिसीजन बॉक्स वाले नीचे वाले बॉक्स को क्या बोलते हैं कैलकुलेशन बॉक्स कैलकुलेशन के बाद प्रिंट बॉक्स ओके सर व्हाइल सर आप जिस एक्स लिखे हैं वो प्रिंट बॉक्स हां x is less than 9090 x is equal to x plus 9 और ये हम यहाँ पे प्रिंट लगा देंगे बेटा प्रिंट x और इसके बाद हम while का लगा देंगे वेंड w e n d वेंड देखो इधर तो अब ये आउटपुट क्या इसका होगा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस गिवन प्रोग्राम क्या होगा 9 18 27 9 का टेबल अब मान लो कोई कहता है कि इसमें 10 का टेबल दीजिए तो x प्लस 9 की जगह पे क्या कर दोगे x प्लस 10 तो 10 का टेबल हो जाएगा हो जाएगा नहीं हो जाएगा यस सर हो जाएगा यस सर हो जाएगा 2 का टेबल दीजिए x प्लस 2 कर दो अब ये पेपर पे x प्लस 2 कराना जरूरी है अगर पेपर पे ना कराते ना ये बोर्ड पे तो कंप्यूटर पे डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे अब समझ में आ जाएगा बोलिए यस सर यस सर कंप्यूटर पे देखते हैं बेटा देखो सर इसको ग्रुप पे आप सेंड कर दीजिएगा सर मेरा नेटवर्क यहाँ से खराब है अच्छा बेटा कर देंगे क्या चार्ट और ड्राई रन कर रहे हो सर आप ये वीडियो अपलोड कर दीजिएगा यूट्यूब पे YouTube पे भी चला जाएगा चलो देखो इधर हम यहाँ पे सर आप जो कोडिंग के लिए अलग कॉपी बनाने के लिए बोले हैं ना हाँ हाँ बोलिए सर उसके लिए जो नोट्स आप एक बार फिर से आप ग्रुप पर भेज देंगे नोट्स उसमें जो लिखना है उसमें नोट्स नहीं लिखना है प्रोग्राम ही लिखना है डायरेक्ट यस सर वही प्रोग्राम तो सर उसको आप एक बार भेज देंगे ये एक एक प्रोग्राम लिखते जाइए उसमें ऐसा कुछ नहीं नोट्स बनाना है ये सारे सीक्वेंस में प्रोग्राम लिखना है वहाँ पे ये देखो एक वैल्यू जीरो किया मैंने पहले प्रोग्राम देखा जाए व्हाइल एक्स इज लेस देन 90 एक्स इज लेस देन 90 एक्स इज लेस देन 90 एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस x is equal to x plus 9 plus 9 और फिर print x print x vend 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 print x vend vend ठीक है रन करिए यस सर आ रहा है यस सर आ गया यस सर यस सर हां देखो बेटा अब इसमें देखो आप यहां पे समझो अगर हम x प्लस 9 की जगह पे यहाँ पे 10 कर लें तो 10 का टेबल हो जाएगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है यस सर हो जा रहा है यस सर हो रहा है सर वहाँ पे 20 कर देंगे तो 20 का भी हो जाएगा ना हाँ 2 करो
टू का टेबल हो जाएगा. क्या हुआ टू एक्स प्लस टू वो गार्बेज आ रहा है भैया का टकटा का कुल धो धो तो रहो अंदर वा के कुल यहां पे इसको 20 तक ले जाओ. हां सर फाइन को लगा अरे 20 का 20 का यस सर सर आ रहा है 10 कर दो तो 10 का होगा. यहाँ पे वैल्यू बढ़ाने पड़ेगी वहाँ पे सर 5 का हो जाएगा. हाँ हो जाएगा देखो 5 और यहाँ पर वैल्यू चेंज करोगे ना 100 की जगह पे क्या करोगे 5 50 करोगे. अब ये 5 करो. आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है 50 क्यों किया है 5 के 5 के टेबल के लिए कर रहा है. आप आगे कर दोगे तो वैल्यू आगे चलेगी. सर वहां पे आप 50 क्यों किए हैं सर 90 कर लो ना या 75 कर लो 70 कर लो ये आपकी मर्जी. वो तो बढ़ता जाएगा. आप 100 कर लोगे तो 100 तक जाएगा. इसमें क्या दिक्कत है ये तो सर जहां तक नंबर करेंगे तो वहां तक जाएगा. हां लेकिन ऊपर चला जाएगा तो सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. मतलब सर जितना नंबर करेगी स्टोर कर लेगा ना. हाँ स्टोर कर लेगा. देखो करता है कि नहीं करता है. कर रहा है. यस सर यस सर. लेकिन हम उतना ही देंगे है ना कि जितना हम देख पाएंगे जितना हमको काम है. इसका मतलब है आप समझ पाते हो नहीं समझ पाते. सर जो आप बोर्ड पे जिस तरह बता रहे थे उसमें तो इस तरह नहीं दिखा रहा. अरे यार ये कैलकुलेशन है ना बेटा. बोर्ड पे चार्ट हमने फ्लो चार्ट बनाए थे. फ्लो चार्ट यहाँ पे दिखा रहा है. यहाँ पे तो डायरेक्ट कोड दिखाएगा आपको. कोड टाइप करना होगा. आप लेट आए हो लेट. यस सर. आप लग रहा है कल वाली क्लास नहीं करें तो सुन लो बात समझो. यहाँ पर कोई बॉक्स नहीं बनेगा. यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं करना. सिर्फ कोडिंग करना है. हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे सिर्फ. समझ में आ रहा है. कोई बात नहीं है. आप पूछ रहे हो क्वेश्चन अच्छी बात है बेटा. देखो ये रन कर रहा है. बोलो. yes, तो यहाँ पर हमें हम फ्लो चार्ट आपको इसलिए बनाए हैं कि फ्लो चार्ट आपकी समझ में आएगा. आप फ्लो चार्ट पे अपने इस प्रोग्राम को समझ पाएंगे. हमने इसलिए बनाया है. और जाहिर सी बातें हैं कि अगर हम डायरेक्ट कोड आपको सिखाते कंप्यूटर पे तो वो समझ में नहीं आते. आते समझ में. बहुत कम लोग समझ पाते. no, sir. समझ में no, आते sir. बहुत कम लोगों को. तो ये है. अब डिसेंडिंग का देख लिया जाए थोड़ा. ये सेव कर देते हैं प्रोग्राम आपका. टेबल के नाम से फाइल में गए न्यू प्रोग्राम्स और यहाँ पे हमने डिसेंडिंग का देखो बेटा. यहाँ पे सबसे पहले आप एक्स की वैल्यू जो है डिक्लेयर करोगे. जैसे 100 मैंने कर लिया. और वाइल एक्स इज ग्रेटर देन चलेगा. एक्स इज ग्रेटर देन 50 ले लो. एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू. फिर प्रिंट एक्स प्रिंट और वाइल का हो गया प्रोग्राम. रन करो. अब 100 थोड़ा सा इसको वैल्यू कम कर लो. ओ ना वो तो खुद मौसी होगी. वो देख कभी की तो अंकुरे बड़े धोत लो. एडी रो सही देखो. वो तो खुद कभी की तो अंकुरे बड़े धोत. आप म्यूट करिए भाई. बात ना करिए. बात ना करिए. अनुज कुशवाहा म्यूट कर लो. कौन जी बड़े धोत लगे गए ना. हां तो कोई देखो. यहाँ पे देखो बेटा 8080 किया है मैंने. ये अगर हाँ सर आप 9 का टेबल का सर जो दिखाए थे तो सर मान लीजिए कि 9 के टेबल में 100 नहीं आता तो सर वहाँ पे 100 रखेंगे तो हाँ 100 नहीं आता. हाँ दिखाएगा ही दिखाएगा. सर वो रॉन्ग कर देगा दिखाएगा. नहीं आपको टेबल बताया गया है कि 10 टाइम हम ले जाते हैं. हमें भी सिखाया गया कि जैसे 9 का टेबल हम पढ़ने हैं तो 10 टाइम्स हम उसको रन कराते हैं है ना.
लेकिन 10 टाइम्स के अलावा भी तो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? ये तो हम अपने से सीखा हुआ है, ठीक है। आप जैसे देखो, एक बार उसे दिखा देते हैं, पहले ये देख लो, डिसेंडिंग वाला देख लो। डिसेंडिंग वाले में कोई प्रॉब्लम आपको? नो सर। ये लेस लगा दो। नो सर। नो सी एल एस 98 96 94 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जैसे ही इसकी वैल्यू बढ़ा दो, इसकी वैल्यू जैसे बढ़ा दोगे आप, 5050 कर लो, तो ये ऊपर तक चला जाएगा। अब आपकी बात हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं कैसे कर रहे हैं। हाँ बोलो, अब जो पूछ रहा था क्वेश्चन, टेबल है ना, टेबल, हाँ ओपन कर लेंगे उस प्रोग्राम को। हाँ बोलिए, इसमें क्या कर रहे हैं आप? सर कह रहे थे कि अगर 9 के टेबल को सर आप 100 टाइम्स कर दीजिए तो सर वो रॉन्ग कर देगा। देखो 9 के टेबल को हम ले रहे हैं, 90 तक ले रहे हैं। यस सर। ये 9 कर दिए, रन करा दो, रन किया है। अगर हम वैल्यू जब बढ़ाएंगे, वैल्यू जब बढ़ेंगी सर, आप 19 की जगह ना 100 रखने को बोल रहे हैं। 100 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यस सर। रख लो, तब भी ये रन करेगा। सर रन करेगा, बट सर इसमें तो 100 से आगे चला जा रहा है सर। हाँ देखो, 1 मिनट, 150 कर लो, F5 करो, अब समझ में आ रहा है? तो सर वो तो 150 से आगे जा रहा है। हम लोग देखो, हम लोग पहले ना इतना कंफ्यूजन में ना आए, हम यहाँ पे 90 ही रखेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर भेजने लेगा, कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे 90 रखेंगे। सर हम ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर वहाँ पे दूसरा नंबर रखते हैं तो वो रन करेगा कि नहीं? हाँ करेगा, नहीं कर रहा है। देखो 90 के अलावा दूसरा नंबर रखो, आप क्या रखते हैं बताओ? सर 100 रख दीजिए। 100 रख देते हैं। यस सर 100। F5 कर लो, 99 और सर ये तो 100 से ज्यादा जा रहा है ना। यस सर 108 आ रहा है ये तो। ये गार्बेज कर रहा है। यस सर गार्बेज है। एक मिनट सर, गार्बेज यानी इसमें जो है, रुको हम बता रहे हैं, इसको हम कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, कोई दूसरी वैल्यू लेते हैं, एक्स की वैल्यू। सर एक्स की वैल्यू चेंज कर दीजिए। हम ये वाला प्रोग्राम करते हैं, जरा 5 वाला वैल्यू बढ़ाते हैं, एक्स इनटू 10 प्लस 5, समझ में आ रहा है? अब करो, फिर वैल्यू बढ़ाते हैं। टेबल वाले मामले में बढ़ रही है वैल्यू, बढ़ रही है ना? यस सर। अब ये एंड ऑफ फाइल दे देगा, एंड ऑफ फाइल, ज्यादा वैल्यू नहीं लेंगे हम अपने समझने के लिए करेंगे, कंप्यूटर की परीक्षा नहीं लेने हमको, कंप्यूटर तो कैलकुलेट करेगा ही करेगा, नहीं होगा तो एंड ऑफ फाइल लिख देगा। ये समझ में आ गया कि नहीं आपको? कोई प्रोग्राम में कंफ्यूजन जो हमने बताया अभी आपको? इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क। नो सर। नो सर। नो सर। सही है, हाँ? तो देखो अब हमें देखना है बेटा, इसके आगे हमको थोड़ा सा और प्रोग्राम डबल वेरिएबल का देखना है, कल हम बताएंगे डबल वेरिएबल आपको, जैसे वो सीरीज आपको हम आज बता देते हैं कैसे सीरीज है। जैसे वो सीरीज होंगी A 1 3, यहाँ पे डबल वेरिएबल, जैसे कोई कोई फोन की मेमोरी सर कम रहती है तो सर सुनो इधर, ये एक्स की वैल्यू 0 रखा है, कौन सा वेरिएबल है? सिंगल वेरिएबल है। अब देख डबल वेरिएबल के प्रोग्राम्स देखेंगे, 1 1 के बाद 8 8 के बाद 27, इस तरह के नंबर ऐसे आएगा। अगला नंबर क्या होगा, कोई बताए? नेक्स्ट नंबर बोलिए। तो 34 है, 34 कैसे आएगा, कोई बताए? व्हाट इज द सीक्वेंस, व्हाट इज द
फ्रेमिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ नंबर 1, 8, 7. नेक्स्ट नंबर इज 36 नहीं होगा, बताइए. 77 सर. देखो ये बेटा एक का क्यूब है, क्यूब का मतलब समझ रहे हो, 1 × 1 × 1 सर, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसको. हाँ, ये हो जाएगा. अब ये देखो ये 2 का क्यूब है, यानी 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा. बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर. नो सर. 3 के क्यूब है, क्यूब है 3 × 3 × 3. अब ये किसका हो जाएगा? 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 4 × 4 हो जाएगा. अगला नंबर क्या होगा? 64 हो जाएगा. 64. ठीक है ना? तो पहले यहाँ पे हमें ये पता करना होगा कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द गिवन नंबर. सीक्वेंस क्या होगा, है ना? व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द गिवन नंबर. तो हमें ये जानकारी लेनी होगी. अनुज कुमार 8864, जरा अपने को अनम्यूट करो. अनुज कुमार पढ़ाई कर रहे हैं बढ़िया से? अनुज कुमार बात करिए. सर पढ़ाई बढ़िया से हो रही है? यस सर. नहीं हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है आपका. सर इधर कहीं वो कुछ हो रहा है, साउंड हो रहा है. अच्छा आपके यहाँ नहीं हो रहा है, बगल में कहीं कुछ कार्यक्रम है? नहीं. यस यस. चलो कोई बात नहीं. तो ये समझ में आया है आपको? यस सर. नो सर. अब देखो ऐसे कई सारी सीरीज होंगी, जैसे एक नंबर हम और बता रहे हैं, आप ध्यान दो जरा, सोचो इस पे, फिर हम लोग मिलेंगे. एक सीरीज है 0, 3, 8. अगला नंबर क्या होगा? 0, 3, 8. नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, कोई बताइए? 5 का क्यूब. हाँ सर. 13. 13 नहीं होगा सर. 13 नहीं होगा. 13 देखो 15. ये नेचुरल जो नंबर्स आपने पढ़े हैं उस नंबर को स्क्वायर करके इसमें से एक निकालेंगे. क्या है देखो, आपने नंबर क्या पढ़ा है? 1, 2, 3, 4 यही पढ़ा है ना? 3, 4, 5. तो स्क्वायर करके -1 करो, क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर -1. 1 × 1 - 1 क्या होगा? 0. 2 स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर 4 - 1 क्या हो जाएगा? 3. 3 आ रहा है कि नहीं? 3. आ रहा है. देखो ये सर आ रहा है. 8. 4 स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा? 15. 15 आ रहा है. दिमाग का एक्सरसाइज ही हो जाएगा, ये जान लेना. थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगा, बहुत ही मामला अच्छा हो जाएगा, ये जान लो. तो टू क्लेरिफाई द नंबर्स थ्रू द क्यू बेसिक वी हैव टू अरेंज द वी हैव टू क्रिएट द फ्लो चार्ट एंड आफ्टर ड्राई रन वी कैन अचीव वी कैन गेन द नंबर इन दिस ऑर्डर. देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ड्रा द फ्लो चार्ट अगेन एंड अगेन फॉर योर प्रैक्टिस. जो बच्चा बढ़िया से बना के काम कर लेगा उसको ये आ जाएगा, और जो अपने को डार्क में रखेगा, खुद ही को डार्क में रखने का प्रयास करेगा और सोचता है कि शॉर्टकट से समझ में आ जाएगा तो नहीं आ पाएगा, ये जान लेना. ये होता ही नहीं है ऐसे. तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इसको बनाएंगे और कई बार बनाएंगे तब जाके हम अब प्रोग्राम्स करेंगे. ठीक है, क्विट करते हैं, मीटिंग को एंड करते हैं. ठीक है. ओके ओके सर.